हाँ उसको लेकर किस तरीके से? देखिए, सनातन यात्रा हम लोगों को इसलिए निकालनी पड़ रही है कि कोई भी हमारे धर्म को, सनातन धर्म को, संवैधानिक पद पर बैठे हुए या जो बैठे हुए थे और वो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, कोई कहता है कोरोना है, कोई कहता है ये मलेरिया है, कोई कहता है HIV है, कोई कहता है कुष्ठ रोग है, इसको मिटा देना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद सबसे पुरातन सनातन धर्म को मिटाने की बात करने वाले लोग न सिर्फ सनातन का अपमान कर रहे हैं, न सिर्फ 100 करोड़ लोगों का जो भारत में रहकर सनातनी हैं उनका, अपितु जिस संविधान की शपथ वो खाते उस संविधान का भी अपमान वो करते। तो ऐसे लोगों को जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। ये तो शुरुआत है। फिर तो सनातनियों को, आज वो सनातन को गाली दे रहे हैं, कल वो सनातनियों को गाली देंगे, फिर वो सनातनियों को मारने का भी काम कर सकते हैं। तो हम निवेदन करेंगे चुनाव आयोग से कि ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंधित किया जाए कि वो कभी चुनाव न लड़ सकें, और सुप्रीम कोर्ट इसे हेट स्पीच में लेते हुए ऐसे लोगों को कठोर दंड दे और सजा दे। सरकारों को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण न कर सके, प्रलोभन में आकर, पैसे देकर, पद देकर, जॉब देकर या कोई अन्य लोभ लालच देकर वो धर्म परिवर्तन न करा सके। ये जो धर्म परिवर्तन कराते हैं वो दंडनीय अपराध मानने चाहिए और ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। गौ संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार को कुछ कहना चाहते हैं जो सड़क में बैठे हैं उसको? मैं हमेशा कहता हूँ कि गौ, हम सनातनियों का जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश में गौ को माँ का दर्जा दिया जाता है, और माँ और साधारण माँ नहीं है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता बास करते हैं। तो हमको चाहिए कि उस माँ की संरक्षणा होनी ही चाहिए। यहाँ जहाँ कहते ये बुद्ध का देश है, बुद्ध को मानने वाले लोग बहुत हैं इस देश में, जो ये कहते हैं कि चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, तो जहाँ चींटी को नहीं मारना चाहिए वहाँ गौ को कैसे मार सकते हैं? जो गौ सबको दूध देती है, सबको अमृत देती है, सबको जीवन देती है, ऐसी गऊ की हत्या करके तो हम मानवता की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर सजा, कार्रवाई और गौ माता की रक्षा होनी ही चाहिए।